आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी द्वारा जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जो ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम था। इसमें उन्होंने अपनी मांग रखी कि स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में पीली कोटी का नाम बदलकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी चौराहा रखा जाए तथा मुरादाबाद में एक राजकीय विश्वविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से बनाया जाए। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी देवाशीष शर्मा, सचिन अग्रवाल, अंकित ठाकुर, अमित कुमार, जितिन शर्मा, सोनू कुमार, दिनेश कुमार, रवि प्रजापति, अनुराग श्रीवास्तव, महेश चंद कश्यप, नितेश पाल सिंह, मोनू रस्तोगी, आकाश कुमार, हर्ष कुमार, नितिन कुमार आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। हिंदू जागरण मंच अखंडो, भारत देश अखंडो, हिंदू जागरण मंच अखंडो, भारत देश अखंडो, भारत के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के विषय में ज्ञापन देने जा रही है। हमारी मांग है उसमें कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न है और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति उनके साथ जुड़ा है और मुरादाबाद महानगर के साथ ही उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। तो हिंदू जागरण मंच आज ये डिमांड करता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, कि जो पीली कोटी चौराया है इसका अपना कोई नाम नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर चौराहे का नाम रखा जाए एवं इस पूरे मंडल के अंदर कोई विश्वविद्यालय नहीं है, यूनिवर्सिटी। तो हम लोग चाहते हैं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनके नाम पर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाए। तो आज हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें हमने ये मांगें रखी हुई हैं हिंदू जागरण युवा वाहिनी।